ये ना चैनल है अभिषेक राज सिंह। यहाँ पे बात होगी क्रिकेट की और फुटबॉल की, दोनों की बात होगी। फिलहाल क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, और यहाँ पे आईपीएल चल रहा है और कल क्या मैच हुआ भाई, ब्लॉकबस्टर मैच था यहाँ पे। एसआरएच वर्सेस मुंबई और हैदराबाद में मैच था। क्या पिच था, बैटिंग पिच, इसी तरह की पिच चाहिए यहाँ पे। और जो आरसीबी का एकमात्र रिकॉर्ड था 263 का, वो भी ब्रेक हो गया, 278 बना लिए। हाँ भाई, ये वनडे के स्कोर्स नहीं है। कई लोग तो मैच नहीं देखे हुए, लग रहा है ये वनडे के स्कोर्स है, पर ये T20 के स्कोर्स है। 278 का टारगेट दिया था, 277 रन बना लिए थे एसआरएच ने। और मुंबई ने भी क्या पीछे नहीं रहे, 30 रन से आ रही है, 250 के आसपास उन्होंने भी बना लिए। तो खतरनाक मैच हुआ था। और आरसीबी का रिकॉर्ड जो था वो तो पहली बार टूटा था, दूसरी बार मुंबई भी तोड़ने वाली थी, वो थर्ड पे जाने वाले थे, तो ये हालत था। और बात की जाए तो भाई पिटाई एक तरफ से हुई है, सारे बॉलरों की पिटाई हुई है, किसी को भी नहीं बख्शा गया है यहाँ पे। एक मारे जसप्रीत बुमराह है जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और उनको ही रन कम पड़े हैं। एसआरएच की बात की जाए तो एसआरएच के भी सारे बॉलर्स की पिटाई हुई है, किसी की भी कम नहीं हुई। सारे ऑलमोस्ट हर बॉलर्स की हाफ सेंचुरी बन गई है, सबने अपना बॉलिंग में हाफ सेंचुरी कोटा पूरा किया है। वो एक 17 ईयर्स के बॉलर को ले आए थे, केविन मेफाका साउथ अफ्रीका से, उसको बेचारे को 63 रन पड़ गया है। वो पता नहीं वो अब बॉल कर पाएगा कि नहीं पड़ पाएगा, अगले मैच में वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर मुझे तो लगता है मुंबई बोलेगी तो बेटा खेल ले, तो जगह मिल रहा हो तो भी नहीं खेलेगा। मुझे लगता है ये जो जिस तरीके से पिटाई हुई है यहाँ पे सबकी, एसआरएच ले आई थी हेड कोच जैनसन की जगह। अब मैंने ऑलरेडी बोला था मार्को जैनसन की जगह बनता नहीं है, किसी और को लाना चाहिए, मुझे लगा स्पिनर को ले आते, पर ट्रैविस हेड को ले आ, और ये वाला चल गया भाई, ये वाला डिसीजन चल गया। और उन्होंने आते ही हाफ सेंचुरी से रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पे आईपीएल का, 18 बॉल पे हाफ सेंचुरी मारा। पर हमारे अभिषेक शर्मा ने 16 बॉल पे हाफ सेंचुरी उसके बाद मार दिया, बदला ले लिया भाई ने। उसको पता नहीं इंडिया के खिलाफ क्या हो जाता है, इसी यही यही ट्रैविस हेड ही था जो फाइनल में मारा था भाई, इसी ने हरवाया था हमें वर्ल्ड कप। पर कल हैदराबाद के लिए कमाल कर दिया ट्रैविस हेड ने। और खैर थोड़ा सस्ते गए, मुझे तो लगता है कि इवन 4-5 करोड़ भी कम ही है इनके लिए। अगर 24 करोड़ स्टार्क के लिए तो फिर उसके हिसाब से तो कम है, या 20 करोड़ पैट कमिंस के लिए है। ये बड़े प्लेयर होने वाले हैं एसआरएच के लिए, अगर यही पिच बनता रहा हैदराबाद में तो आगे भी जाके हमें कमाल की इनिंग्स देखने को मिल सकती है इनसे। और आगे बात की जाए क्लासेन की, तो क्लासेन भाई बहुत वायलेंस आदमी लग रहा है मुझे तो ये कुछ शांत बात नहीं है, एकदम मारपीट के हालत खराब कर रहे थे। पहले मैच में भी ऑलमोस्ट एसआरएच को टीम को ला ही दिया था, और दूसरे मैच में भी यहाँ पे भी कुछ छोड़ा नहीं। मुझे लग रहा था कि सामने के सारे प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं, हाफ सेंचुरी बनाया है अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, माक्रम भी अच्छा ही कर रहे थे, मुझे लगता है क्लासन नहीं करेंगे यहाँ पे। पर क्लासन ने नहीं भाई, ये वायलेंट आदमी है, कोई रहम नहीं किया इन्होंने मुंबई इंडियंस के बॉलर्स पे, खूब पिटाई की, एकदम खूब धुनाई की। बीच में तो हालांकि ये 15 ओवर में एक टाइम पे स्कोर 150 था, ऐसा लग रहा था कि 300 पार चला जाएगा सेम से चले, हालांकि स्लो कर दिया बाद में माक्रम और क्लासन ने मिलकर, थोड़ा सा स्लो किया ताकि मारने जाएंगे तो विकेट्स गिरेंगे। तो उसके बाद हालांकि फिर भी रन 270 के आसपास पहुंच गए उनके, मेरे ख्याल से टारगेट इतना सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, 250 ही सोचा होगा। और काव्या मारन जी तो इतनी खुश थी कि पता नहीं उनको लगता उनके सारे पैसे वसूल हो गए। पर वही दूसरे तरफ की ओनर्स की बात की जाए, नीता अंबानी जी तो छोड़ के चली गई थी मैच आधे टाइम पे, आकाश अंबानी दिख रहे थे। और यहाँ पे भाई जिस तरीके से पिटाई हुई है, पर मुंबई इंडियंस में टीम जो थी बिलीव था उनपे, और बिलीव खैर खराब ही उतरा जब वो बैटिंग करने आए, ईशान किशन ने खूब धुआंधार शुरुआत दी, हालांकि वो आउट हो गए मारने में। जब इतना बड़ा स्कोर लग गया हो ना तब तो आपको बैट चलाना ही पड़ता है इधर उधर, वो कोई रहता ही नहीं ऑप्शन, इसीलिए बड़ा स्कोर जब आप खड़ा हो गया है तो उसका अब कुछ ऑप्शन नहीं है, मारो 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 हर बॉल में मारो। रोहित शर्मा भी आउट हुए, वही मारने चक्कर में आउट हो गए। बात यह तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, और एक टाइम पे जो स्कोर था वो बराबर का ही चल रहा था, मुंबई का और एसआरएच का अगर आप स्कोर जब कंपैरिजन हो रही थी बराबर था, ऑलमोस्ट 5-6 रन का डिफरेंस था, जो कि एक बॉल में 6 मारने के बाद भी पूरा हो जाता है। और पर हार्दिक आए यहाँ पे, पूरे टीम का जो स्कोर कार्ड था चल रहा था स्ट्राइक रेट 200 के आसपास का, पर हार्दिक
यहाँ पे बड़े खुश थे और लग रहा उनके ऊपर प्रेशर चल गया है। जो पूरा जो एक मूवमेंट चला हुआ है, दर्शक बहुत नाराज हैं कि इनको कैप्टनशिप चाहिए थी। आ जाते यार, कोई दिक्कत नहीं थी, स्क्वाड में आ गए, ये कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा पैसा लिया। पर कैप्टनशिप की कोई जल्दी नहीं थी। इस साल के बाद भी ट्रांजिशन हो सकता था, रोहित शर्मा को इस साल कैप्टन रहने देते, आप आ जाते अगले साल। और बीच में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत वो हार्दिक की बैंड बज गई थी, बॉल जब वो बॉलिंग में पिटाई हो रही थी तब वो कुछ रोहित शर्मा से दिख रहे थे कुछ मांगते हुए सजेशंस। पर हार्दिक ने बैटिंग में ज्यादा उम्मीदें थी मुझे तो, इवन मैं लाइव कर रहा था वहां पे, मुझे उम्मीदें लग रही थी कि हार्दिक के पास कैपेबिलिटी है। वो एक टाइम पे बहुत मारते थे, पोलार्ड के साथ बात करते वही कैपेबिलिटी हार्दिक में, हार्दिक यहाँ पे मैच जितवा सकते हैं। पर हार्दिक ने उल्टा करके दिखा दिया, ये मैच जो है ना वो स्लो कर दिया। हालांकि टारगेट इम्पॉसिबल था पर एक टाइम पे लग रहा था। उसके बाद टीम डेविड है, टीम डेविड ने भी फायर करना स्टार्ट किया, सिक्सेस सिक्सेस लगातार सिक्सेस मारी, फोर्स मारी। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड आए, जिनको कि उनका ओवरसीज प्लेयर पिछली बार डेविल ब्रेविस आए थे, इस बार रोमारियो सेफर्ड आए। रोमारियो सेफर्ड ने भी अच्छे रन मारे, 4-5 बॉल में 15 रन मार दिया आखिरी ओवर में। और हार्दिक वहां पे बात करके जा रहे थे, मुझे लगता है हार्दिक बात ज्यादा कर रहे हैं फिलहाल, उनके बैट और बॉल ज्यादा बात करना चाहिए। हार्दिक एक टिपिकल यंगस्टर की तरह बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई करने वाला बच्चा होता है ना, जो पढ़ाई करता नहीं है, क्लास में आके बहुत फेंकता है, उस तरीके से लग रहे हैं। और फ्रेंचाइजी की हालत काफी खराब है, 2 मैच लगातार हार गई है मुंबई इंडियंस। हालांकि नेट रन रेट बचा लिया उन्होंने, जो कि 250 के आसपास रन बना के। और पूरी इस मैच की बात किया जाएगा, कुछ पॉजिटिव देखा जाए दोनों टीमों के लिए, तो तिलक वर्मा हालांकि उनके लिए अच्छे रहे, मुंबई के लिए अच्छे रन्स बनाए और जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, चलिए इससे कुछ ना कुछ मुंबई जरूर लेके जाएगी यहाँ पे। एसआरएच की बात किया जाए तो एसआरएच तो क्लासेन का जो फॉर्म है, क्लासेन अगर हर मैच में चले तो खतरनाक लग रहे हैं। माक्रम ने भी रन बनाए हैं, जो कि माक्रम का जो प्लेस है वो लग रहा था ऐसा कि माक्रम को रिप्लेस किया जा सकता है, तो वहां पे माक्रम ने भी रन बनाए हैं, जो कि अच्छी बात है। आप दिक्कत सिर्फ ये हुई मुझे लगता है एसआरएच के, उमरान मलिक आए यहाँ पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और उनको 15 रन पड़ गए, उसके बाद उनको बॉल कराया नहीं, क्योंकि ये बहुत जो मैच था वो नेट टू नेट चल रहा था, तो उन्होंने भरोसा दिखाया नहीं पैट कमिंस ने, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ उनको और रन पड़ जाते हैं तो यहाँ पे मैच निकल भी सकता था एसआरएच के हाथ से। तो उमरान मलिक का जो फॉर्म है वो उनके लिए चिंताजनक है, पिछले साल खेले भी नहीं थे, अगले साल मुझे लगता है रिटेन भी नहीं होने वाला उमरान मलिक को, वो रिलीज करने वाली है एसआरएच। खैर देखा जाए यहाँ पे दूसरे टीम में जाके वो करेंगे या इस टीम में वो कुछ कर पाते हैं। अभी तो है नटराजन इंजर्ड है, तो वहां पे थोड़ा सा निगल लगा है, तो वहां पे मौका है, कोई ना कोई इंजर्ड होता रहेगा, इमरान मलिक को मौके मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। नमन धीर ने काफी अच्छी बैटिंग की, ये भी एक पॉजिटिव है, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं थ्रो किया हुआ है, इन्होंने भी ये भी अच्छे कर रहे हैं। तो मुंबई के लिए ये सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, पर फ्रेंचाइजी की हालत बहुत बुरी है। कुछ फोटोज आ रहे थे, आकाश अंबानी के साथ मीटिंग कर रहे थे टीम के साथ, और खुश नहीं होंगे ओनर्स भाई, ये हार्दिक को कप्तान बना दिया आपने सर्टेनली, और आप चाहते हो कि आईपीएल जीत रहा आपकी, उनकी जो रेपुटेशन को देखा गुजरात में उन्होंने जो किया है, और वहां पे आशीष नेहरा भी थे, तो पता नहीं अब अगले साल आशीष नेहरा को भी ले आएंगे ये ये थोड़ा सा ना, ये जो चेल्सी में भी ये हमें देखने को मिल रहा है। बात किया जाए तो जो पैसा से किया जाए या पैसा से सब प्लेयर्स खरीद दिया जाए, कुछ ह्यूमन बिहेवियर भी होते हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ये खेल है, यहाँ पे ह्यूमंस खेले, कोई रोबोट्स नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, तो माहौल भी बनाना पड़ता है, एक फीलिंग भी लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। खैर मुंबई में वहां बातचीत चल रही होगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कप्तानी चेंज होगा, हार्दिक कप्तानी करेंगे आगे भी, और उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हालांकि सब कुछ गया नहीं है, बॉलिंग में काफी पिटाई हुई है, पर आगे देखेंगे, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा दिक्कत है जो दूसरा फास्ट बॉलर ओवरसीज बॉलर, वो दिक्कत हो गया। मधुशंका को लाए थे वो नहीं दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हालत है उनकी। थुसारा है, नुवन थुसारा नया बॉलर को लेके आए, उनको अब लगता है ट्राई करेंगे। एम्पाका को दिया था 17 साल के बॉलर को चांस, काफी यंग प्लेयर्स को है, डेविल ब्रेविस भी इनके पास यंग प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है रोमारियो सेफर्ड अब टीम में आ सकते हैं, क्योंकि उसने बैटिंग अच्छी की वहां पे, तो बॉलिंग भी वो कर लेते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बॉलिंग तो नहीं करते रोमारियो, पर हाँ काम चलाओ बॉलिंग, 4 ओवर आपको दे देंगे और कुछ ना कुछ विकेट्स भी निकाल के दे देंगे इनको, आप सही से इस्तेमाल करते। रोमारियो सेफर्ड और जेराल्ड कॉर्डिया, कॉर्डिया आपके पास है
तो वो एक डेवल ब्रेविस को आप तीसरे खिला सकते हैं। टीम डेविड ने खैर अच्छा ही किया है। कह रहा आज की जो मैच की बात की जाए तो राजस्थान और दिल्ली की मैच है, तो कुछ प्रीव्यू की बात किया जाए तो राजस्थान मेरे ख्याल से जयपुर में ही ये मैच होने वाली है। अवे फिर वही सारी होम टीम्स जीत रही हैं, अभी हैदराबाद जीती है, फिर लगातार होम टीम्स जीते जा रही है। फिर यहाँ पे राजस्थान की टीम काफी सेटल्ड है, पहला मैच हार के आई है दिल्ली, और दिल्ली की मुझे लग रहा है बैटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनके मिचेल मार्श को फायर करना पड़ेगा, और वो काफी ओवरसीज प्लेयर्स पे काफी रिलाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे वहां पे दूसरा मैच, मुझे नहीं लगता साई होप को खेलेंगे, एक बॉलर ओवरसीज बॉलर को उनको लाना पड़ेगा, नोकिया या उनगिडी है पता नहीं, उनगिडी को तो मौका मिलता ही नहीं है दिल्ली से, ये क्या कर रखा। पिछले साल फिज थे, फिज को भी कोई खास मौका मिला नहीं था, खैर फिज उतना चले नहीं दिल्ली से, यहाँ पे इनगिडी को लाना होगा, किसी ना किसी को लाना होगा। जयपुर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान की तो सारी सब कुछ सेटल लग रही है, बॉलिंग उनकी काफी सेटल लग रही है, दानरे बर्गर को लाते हैं यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट के साथ, ट्रेंट बोल्ट एक पावर प्ले में विकेट निकाल के दे ही देते हैं, या रॉबमन पावल को लाते हैं अगर बैटिंग में लाते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, यंग प्लेयर्स पराग जुरेल, और बात की जाए जायसवाल, जायसवाल तो अभी फायर किया ही नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं, अभी असली पोटेंशियल वो दिखाना स्टार्ट करेंगे, तो अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है उनका जलवा। जॉस बटलर, पूरा राजस्थान की टीम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जयपुर में ये मैच हो रहा है, जयपुर में मैच हो रहा है, डेफिनेटली भाई स्ट्रांग जो अपील होगा वो राजस्थान का ही होगा। दिल्ली इस बार फिर मुझे लगता है स्ट्रगल कर सकती है, ऋषभ पंत वापस आए हैं पर ऋषभ पंत खेले नहीं है यहाँ पे, दिल्ली के लिए मुश्किलें हैं। साई होप मेरे ख्याल से खेलेंगे, जो कि अच्छा थोड़ा बहुत किया था साई होप ने वहां पे, तो यहाँ पे देखा जाए आगे क्या होता है, दिल्ली यहाँ से क्या वापसी कर पाती है, वहां पे सौरव गांगुली है, रिकी पॉइंटिंग है थिंक टैंक में, एक टाइम पे उन्होंने अच्छा भी किया, लगातार बहुत सालों से रिकी पॉइंटिंग एग्रेशन लेके आए, कुछ अच्छा करी दिल्ली, हालांकि इंजरी से वो परेशान है। ईशांत शर्मा खेलेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत निकल लगा था, ये भी प्रॉब्लम है वहां पे, देखा जाए। मेरे हिसाब से तो ये मैच फिर होम टीम की तरफ जा रहा है, राजस्थान ही जीतेगी ये, तो चलिए देखा जाए कुछ दिल्ली कुछ सरप्राइज दे पाती है कि नहीं, वापसी करती है कि नहीं। मजा है, इवेंट कंपटीशन होना चाहिए, आईपीएल का हमेशा इवेंट होता है पर और जोरदार होना चाहिए, और इस तरह के ब्लॉकबस्टर मुकाबले देखते रहने को मिलना चाहिए, लंबे लंबे शॉट्स रन सिक्सेस, सिक्सेस का भी रिकॉर्ड बन गया कल, तो इस तरह के अगर मैचेस देखने को मिले तो ये वनडे टाइप का मैच T20 में हो रहा है, वनडे के रन्स बन रहे हैं तो मजा ही आ जाए। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और कहीं और देख रहे हैं तो वहां पे भी कुछ कर दीजिए।